दोस्तों एक YouTube चैनल है पवन 2.2, और वो चैनल जो है उन पे सब्सक्राइबर जो है 6.2 मिलियन सब्सक्राइबर्स है उस चैनल पर, और वो चैनल जो है अभी डिलीट होने के कगार पर है, या हो सकता है कि वो कुछ दिनों में डिलीट भी हो जाए, पवन 2.2 YouTube चैनल। तो आखिर उन्होंने क्या गलती की थी और किस वजह से जो है उनका YouTube चैनल जो है डिलीट होने की कगार पर आ गया है, तो क्या आखिर उन्होंने गलती की थी जो कि आपको वो गलती नहीं करनी है जिससे कि आपका चैनल सुरक्षित रहे, कोई भी दिक्कत ना हो। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि उन्होंने क्या गलती की थी और 6.2 मिलियन सब्सक्राइबर्स होने के बावजूद भी उनका चैनल डिलीट होने के कगार पर क्यों है, तो सारा चीज़ जानना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए बिना स्किप किए, ताकि आप भी उस गलती को ना दोहराएं, ताकि आपका चैनल सुरक्षित रहे। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, अगर आप इस वीडियो पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब, ताकि हमारी वीडियो हमारी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे और आप कुछ नया सीख सकें। चलिए शुरू करते हैं। तो मैं बता दूं, पवन 2.2 जो यूट्यूब चैनल है अभी वो यूट्यूब पे कंटिन्यू है, आप जाकर विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। वो फैक्ट की वीडियो बनाते हैं, मतलब वीडियो किसी और का होता है और वो अपनी वॉइस ओवर उसमें करते हैं और थोड़ा मोड़ा एडिटिंग करके अपलोड करते हैं, और व्यूज की बारिश होती है। 6.2 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो गए हैं, 62 लाख आप समझ सकते हैं, 1-2 लाख नहीं, 62 लाख समझ सकते हैं कितना सब्सक्राइबर्स। तो व्यूज तो उसमें मिलियन ऑफ व्यूज आता है, लेकिन उन्होंने यही सबसे बड़ी गलती की है कि वो अपनी खुद की वीडियो ना डालकर दूसरे की वीडियो डालते हैं, और वो शॉर्ट ज्यादातर डालते हैं, लॉन्ग ज्यादा नहीं डाले हैं, 2-4 डाले हैं बस, लेकिन वो शॉर्ट वीडियो डालते हैं, लेकिन वो खुद की वीडियो नहीं होती है, वो दूसरे की वीडियो होती है किसी वेबसाइट से या फिर किसी का डाउनलोड करके वो उसमें अपना वॉइस ओवर करके और एडिटिंग करके वो अपलोड कर देते हैं, फैक्ट की वीडियो बनाते हैं, कुछ जानकारी देते हैं। तो हुआ क्या कि ये वीडियो डाल ही रहे थे, सब्सक्राइबर्स भी मिलियन में चला गया, व्यूज भी मिलियन में आ रहा था, लेकिन उनको 2 स्ट्राइक आ चुका है, जिस वजह से जो है तीसरा स्ट्राइक आने के बाद जो है उनका चैनल रिमूव कर दिया जाएगा, यूट्यूब से हटा दिया जाएगा, डिलीट कर दिया जाएगा। तो दोस्तों उन्होंने सबसे बड़ी जो गलती की है कि उन्होंने दूसरे की वीडियो को अपने चैनल पर अपलोड किया है, सिर्फ उसमें वॉइस ओवर करके और थोड़ा एडिटिंग करके, जो कि ये बहुत सारे क्रिएटर करते भी हैं और उनका तेजी से चैनल ग्रो भी होता है शॉर्ट के थ्रू। तो शॉर्ट के थ्रू आप ग्रो तो कर लेंगे, लेकिन आपका चैनल सुरक्षित भी तो होना चाहिए, इसलिए आपको ये गलती नहीं करनी है, किसी की वीडियो को आपको अपलोड नहीं करनी है, ना ही उसमें एडिटिंग करना है, ना ही वॉइस ओवर करना है, आपका खुद का कंटेंट होना चाहिए, आपका खुद का वॉइस ओवर, खुद का वीडियो होना चाहिए, तभी आपका चैनल सुरक्षित रहेगा। तो अब देखिए इन फ्यूचर क्या होता है, पवन 2.2 जो चैनल है वो बचता है या फिर डिलीट होता है। उन्होंने अपील तो की है, उनको मैसेज तो किया है, बट अब पता नहीं क्या मेल उनको मिलता है, फिर रिप्लाई आता है, उनका स्ट्राइक हटता है या फिर डिलीट होता है, आपको जानकारी तो मिल जाएगी, बट इस वीडियो के माध्यम से यही इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाना था कि आपको किसी की दूसरे की वीडियो को बिल्कुल भी टच नहीं करना है, ना ही अपलोड करना है, ना ही कुछ करना है, जो भी हो आपका खुद का कंटेंट रहेगा, ओरिजिनल कंटेंट रहेगा, तो आपके चैनल पर कभी भी कोई खतरा नहीं आएगा, तो आपको ये गलती नहीं करना है। देख सकते हैं मिलियन ऑफ व्यूज, मिलियन ऑफ सब्सक्राइबर्स उस पे भी ट्राई आ रही है, क्योंकि उन्होंने दूसरे की वीडियो डाल रखी है। ये गलती मैंने भी एक बार की थी, जिससे कि 1300 सब्सक्राइबर्स होने के बाद भी हमारा चैनल डिलीट हो गया था। अब मैं वो गलती नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी दूसरे की वीडियो नहीं डाल रहा हूँ, मैं खुद की वीडियो अपलोड करता हूँ, वॉइस ओवर करता हूँ, एडिटिंग करता हूँ और डालता हूँ बस। आपको भी आप शॉर्ट बनाए, लॉन्ग बनाए, आपकी खुद की वीडियो हो, खुद का कंटेंट हो, जिससे आपके चैनल पर कोई भी खतरा ना हो। आई होप दोस्तों आपको इन्फॉर्मेशन काफी पसंद आया होगा और आप ये गलती नहीं करेंगे जिससे कि आपका भी चैनल डिलीट होने के लिए कगार पे है, तो आप अपने चैनल को खुद सुरक्षित रख सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपके लिए जरा भी इंफॉर्मेटिव रही हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के घंटे को जरूर से जरूर ऑल पे सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि हमारे नोटिफिकेशन हमारे वीडियोज के सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मिलते हैं फिर किसी नए इन्फॉर्मेशन के साथ बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।